अस्सलाम वालेकुम दोस्तों दोस्तों मैं हूं अनवर लोहार। स्वागत है आपका अनवर एएसपी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं हूं गुजरात कच्छ भुज से, और जो आज आपको वीडियो मैं दिखाने वाला हूं काफ़ी अच्छी होने वाली है, तो वीडियो को पूरा देखना। इसी के साथ जो आज की वीडियो होने वाली है 2016 MaxiTruck प्लस जो हमारे पास बॉडी बना के रेडी आ चुकी है हमारे दूसरे वर्कशॉप से, और हमारे पास पेंट में आ चुकी है। इस गाड़ी में हम भी करेंगे पेंट, पेंट के बाद इसका जो फाइनल वीडियो वो भी आएगा। ये पार्ट वन है, दूसरा पार्ट आएगा, कब आएगा ये पता नहीं है, इसलिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि इसके मैं वीडियो के अलग अलग पार्ट बनाते रहता हूँ बोलेरो पिकअप का। और ख़ास मैं आपको बात बताऊँ तो हमारे वर्कशॉप में पूरा कंप्लीट ही काम होता है। अगर आपके पास चेसिस इंजन और टायर है तो आप हमारे पास बोलेरो पिकअप लेके आइए, ऑल पिकअप कोई भी लेके आए, आपको हम पूरा गाड़ी बना के कम्प्लीट देंगे। इसी के साथ आपको बता दूँ, कई लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं, कई लोग फ़ोन पे बात भी कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि अनवर भाई आप हमारे पास ओल्ड मैक्स पिकअप है या तो ओल्ड बोलेरो पिकअप है, इसको पूरा रिस्टोर करके नया ज़बरदस्त स्टाइलिश बनाना है तो कितना खर्चा आ सकता है। भाई आपको मैं कई वीडियो में आपको मैं बता चुका हूँ कि अगर आपके पास कोई भी ओल्ड पिकअप है तो आपको 1 लाख से 1.5 लाख जो खर्चा आ सकता है। 2009 वाली पिकअप हमने बनाई थी, उसमें 1,30,000 खर्चा लगा था, तो आप अंदाज़ा ले सकते हो कि 1 लाख से 1.5 लाख खर्चा आ सकता है। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा हमारी गुजरात कच्छ की जो बॉडी है, जो फेमस बॉडी है, जो 2016 MaxiTruck प्लस DI टर्बो में हमने बनाई हुई है, तो आपको दिखाएंगे इस गाड़ी की बॉडी, यानी कि कलर से पहले आपको दिखाएंगे और कलर के बाद भी वीडियो आएगी। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि रिस्टोर की सब वीडियो इस चैनल पर हम लाते रहते हैं। तो दोस्तों यही कुछ था, अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, और साइड में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर दबा दो, ताकि आप लोगों को हमारी जब वीडियो नई आए तब आपको सबसे पहले आपको देखने को मिले। तो दिखाते हैं आपको 2016 की पिकअप MaxiTruck DI टर्बो, उसके ऊपर हमने बॉडी बनाई है, और जो इसका पेंट होने के बाद भी एक पार्ट आएगा तो ज़रूर से देखिएगा। तो चलो शुरू करते हैं। ये 2016 मॉडल और DI टर्बो है MaxiTruck प्लस। आप देख सकते हो यहाँ पर बोलेरो पिकअप MaxiTruck प्लस लिखा हुआ है, और ये पावर स्टारिंग यहाँ पर लिखा हुआ है DI टर्बो, यानी कि ये सेंसर वाली नहीं है ये गाड़ी है, सादी जो सिंपल कहते हैं DI इंजन वाली, इसमें सेंसर भी एक आता है। इसी के साथ आपको आगे का बम्पर बताऊँ तो ये देख लो, इस गाड़ी में पुराना बम्पर लगा हुआ है, क्योंकि ये गाड़ी का ओनर है, ये पुरानी गाड़ी अभी ली है और हमारे पास पीछे का जो बॉडी है वो बनाने के लिए आए थे, तो बॉडी बन गई, अभी इसमें कलर पेंट का काम शुरू होगा। इसी के साथ आपको बम्पर दिखाऊं तो ये मुझे शायद गुजरात राजकोट में ऐसा बम्पर बनता है, तो इस गाड़ी में आगे बम्पर तो इंस्टॉल लगा हुआ है, हम बम्पर आगे नहीं लगाएंगे, हम जो काम करने वाले वो पीछे का काम करने वाले हैं, तो वो सब कुछ आपको डिटेल में बताएंगे। इसी के साथ आप आगे देख सकते हो, तो ये यहाँ पर लिखते हैं हम गुड्स कैरियर, ये लकड़े का बना हुआ है और नट बोल्ट के साथ, यहाँ 2 नट है, बीच में 2 नट है और लास्ट में भी 2 नट है, यानी कि 6 नटों में ये पूरा 6 बोल्ट में ये पूरा लगा हुआ है। इसी के साथ आपको गाड़ी की कंडक्शन दिखाऊं तो बहुत सारी अच्छी है। इसी के साथ आपको यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारा कैरियर लगा हुआ है, जो मुझे काफ़ी हैवी लग रहा है, और ऊपर की साइड आप देख सकते हो कि प्लेट वगैरह लगी हुई है, और देख लो नीचे से भी आपको दिखाऊँ तो ये जो आपको प्लाईवुड का बॉडी नहीं है, पहले मैंने प्लाईवुड का भी आपको बताया है, ये जो आप देख रहे हो ये पूरा लकड़े का है, और लकड़े में हम डिज़ाइन बनाते हैं हाथ से, आप देख लो पूरी, ये हाथ से पूरी डिज़ाइन बनी हुई है। और इसकी मैं हाइट की बात करूं तो ये 3.5 फुट की हाइट है, यहाँ पर पूरी ये 3.5 फुट की हाइट है, और यहाँ से आप देख सकते हो कि पूरी हाइट है वो 3.5 फुट की है। अगर आपको ज़्यादा लगानी है तो वो भी हो सकती है, और इससे कम रखनी है तो वो भी आप अपनी तरह से वो काम करवा सकते हो। इसी के साथ आपको बताऊँ तो इसमें खिड़कियाँ भी लगी हुई है, ये 4 खिड़कियाँ लगी हुई आप देख सकते हो, और बीच में जो पट्टे लगी हुए हैवी, ताकि बॉडी को एक मजबूती मिले, यहाँ पर एक पट्टा है यहाँ पर और दूसरा यहाँ पर, और इसी के साथ आपको एंगल वगैरह लगी हुई है पूरी, देख लो हैवी लगी हुई है पूरी नीचे से, और यहाँ पर आप देख सकते हो पूरी बॉर्डर लगी हुई है, और कड़ी वगैरह लगी हुई है देख लो पूरा, तो कड़ी पीछे तक लगी हुई है, यहाँ पर लगे हुए हैं मदगार्ड वगैरह, ताकि गाड़ी चले तब कुछ इसमें कीचड़ वगैरह ना लगे, इसीलिए यहाँ पर आपको दिखाऊं तो नंबर प्लेट वगैरह लगी हुई है और बॉर्डर भी लगी हुई है, यहाँ पर आपको दिखाऊं तो एक एंगल यहाँ पर भी लगा हुआ है पूरा हैवी, और ये पूरा लकड़े का मजबूती के साथ अंदर भी आपको दिखाऊंगा, और पीछे आप देख सकते हो कि पीछे का इसका जो डाला वगैरह है वो भी पूरा लकड़े का बना हुआ है, यहाँ पर लकड़े के पट्टे हैवी लगे हुए हैं,
और कड़े वगैरह आप देख सकते हो, कड़े वगैरह सब कुछ हैवी लगा हुआ है। और यहाँ पर जो कड़ी वगैरह लगी हुई है, और नीचे आपको दिखाऊँ तो एक बम्पर लगा हुआ है पूरा, देख लो ये पूरा जारी वगैरह सब कुछ लगा हुआ है। इस गाड़ी में आप अगर स्पेयर टायर जो आपका होता है वो भी आपको यहाँ पर बॉक्स बन सकता है, लेकिन इस गाड़ी में नहीं लगा हुआ है। और इसकी जो नंबर प्लेट है वो नीचे लगी हुई है, ये देख लो दोनों नंबर प्लेट, और हैवी चैनल का पूरा बम्पर लगा हुआ है। इसी के साथ आपको इस गाड़ी में जो ये डाला लगा हुआ है, ये कंपनी वाला, इसको हमने चेंज नहीं किया है। ये पूरी गाड़ी की कनेक्शन जो थी वो अच्छी थी, और नीचे जो है पूरा बॉर्डर कंप्लीट। और इसी के साथ इस साइड में आप देख सकते हो पूरा बॉर्डर वगैरह, और यहाँ पर आपको दिखाऊँ तो पूरी सीढ़ी वगैरह, पूरी सीढ़ी लगी हुई है। यहाँ पर भी चार खिड़कियाँ लगी हुई है आप देख सकते हो, और पट्टे वगैरह तीनों पट्टे लगे हुए हैं, और लास्ट में चार दो एंगल लगे हुए हैं। ऊपर की आपको बात बताऊँ तो ऊपर आप देख सकते हो फूल वगैरह लगे हुए हैं, और एक आगे से लेके पूरा पीछे तक एक पाइप लगा हुआ है। तो ये एक नंबर हैवी। और इसी के साथ आपको इस साइड में बताऊं तो ये देख लो पूरा कंप्लीट ही, इसको पूरा कैरियल बना हुआ है। और इस गाड़ी में यहाँ पर प्लेट लगती है, लेकिन यहाँ पर इस गाड़ी में हमने कुछ पाइप वगैरह लगाई है, क्योंकि ये गाड़ी चलेगी दूध वगैरह में। और यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर गाड़ी में थोड़ा सा खराबी आ चुकी है। इसी के साथ आगे का आपको बताया, और अंदर भी आपको दिखा रहा हूँ कि इस गाड़ी में क्या काम हुआ है। तो पीछे चलते हैं, पीछे देखते हैं। तो इस गाड़ी में जो नीचे की जो चादर वगैरह थी उसमें हमने कुछ भी काम नहीं किया है, क्योंकि जो गाड़ी की जो पहले से वो फिटिंग लगी हुई थी। इसी के साथ इस साइड में आप देख सकते हो पार्टी वगैरह लगे हुए हैं, यहाँ पर भी लगे हुए हैं। सामने आप देख सकते हो इसमें पूरा पैक नहीं किया है, क्योंकि ये दूध में चलेगी गाड़ी, तो ये आगे पैक नहीं किया है। और ऊपर भी एक पार्टी लगा हुआ है। तो ये देखा आपने अंदर, और हमारे पास और भी गाड़ी की काम चालू है तो वो भी आपको दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों ये 2001 मॉडल है, और ये 2007 मॉडल है, और ये गाड़ी है 2011 मॉडल। इस गाड़ी में हमने पीछे प्राइमर लगा चुका है, और आगे का जो काम है वो हमने कुछ भी नहीं किया, इसीलिए इसको पूरा कवर लगा दिया है ताकि ये ख़राब ना हो। और ऊपर इसमें जो प्राइमर जो लगाते हैं वो लगा दिया है, और ये कंपनी का जो डाला है इसको कलर नहीं करना था, इसीलिए इसको पूरा पैक कर दिया है। इसी के साथ इस गाड़ी में जो काम था वो आपने अगले वीडियो में भी देखा होगा, यहाँ तक इस गाड़ी का पूरा काम हो चुका है। इसका भी वीडियो जल्द आएगा हमारे YouTube चैनल पे, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखो। और ये 2001 मॉडल है, इसको पूरा मॉडिफाइड करेंगे, रिस्टोर करेंगे, इसको भी वीडियो जल्दी आएगी। और इसी के साथ इस गाड़ी में पूरा नीचे से लेके पूरा ऊपर तक पूरा लकड़े का बना हुआ हैवी पूरा, तो जल्द वीडियो इसकी आएगी। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना। इसी के साथ हमारे पास और एक गाड़ी पड़ी है, इसकी तो आपने इस गाड़ी को तो आपने पूरी डिटेल दे देगी। इसी के साथ आपको बताऊं और एक गाड़ी, तो ये 2004 मॉडल है, और ये पूरी कंप्लीट तैयार हो चुकी है, बस ये इसकी गाड़ी की डिलीवरी होने वाली है। और ये इसका पूरा केबिन आगे वो पूरा चेंज हुआ है, इसी के साथ ऊपर की जो बॉडी है वो भी नई बनी है, और पीछे का जो डाला है कंपनी वाला वो भी चेंज हुआ है। काफ़ी सारा इस गाड़ी में खर्चा हुआ है, तो देख लो कई ऐसे लोग होते हैं शौकीन जो पुराने मॉडल में भी ज़्यादा खर्चा कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से बॉडी बनी थी, ये थी गुजरात कच्छ भुज की बॉडी, और यानी कि हमारी बॉडी थी, और इस पे हम पेंट का भी काम जो होगा वो प्रोसेस वो भी आपको बताएंगे कैसा लगा काम आपको। और आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, साइड में जो बेल आइकन उसको ज़रूर दबा दो। ऐसी हमारी नई वीडियो के साथ हम जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।